एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन स्कॉच। तो आज हम एक और वीडियो को शुरू करने वाले हैं जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में है। जैसे कि आपको पता है, आज हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पूरी चीज़ें डिस्कस करी जाएगी और बहुत डिटेल में डिस्कस की जाएगी। मतलब आपके इंस्टर कैंपस हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल व्यू रहेगा। प्लेसमेंट है, हम पूरा ए टू जेड प्लेसमेंट देख रहे होंगे जनाब। और इसके बारे में मतलब जो तो दिखा है यार वीडियो में, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, ब्रांचेस वगैरह हो गए, कोर्सेज हो गए, ठीक है। और हमने पहले भी वीडियोस रिलीज की थी जो कि आईआईटीज की थी, कॉलेज रिव्यू थोड़ा हमने उसके ऊपर भी स्टार्ट किया, एनआईटीज के ऊपर भी स्टार्ट किया। प्लस अब हम बोले यार चलो अब इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए जो कि हमारा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी हमारी टॉप 10 में तो इंक्लूड नहीं किया गया था, पर ये भी तगड़ी यूनिवर्सिटी, मतलब एमपी के कुछ कॉलेजेस जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है उनसे बेटर है ये यूनिवर्सिटी। तो अब हम बिना किसी देरी के हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज रिव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। तो ये लोकेशन जो है आपका चंडीगढ़ लुधियाना में है, हाईवे मतलब चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पंजाब में है। एस्टेब्लिशमेंट 2012 का था, मतलब थोड़ी और हिस्ट्री उठा के देखो तो थोड़ा और पहले, पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बोला जाएगा हमारा 2012 का। एरिया जो काफ़ी अच्छे एकड़ में फैला हुआ, 100 एकड़ में कुछ फैला हुआ है। एनआईआर रैंकिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग लाइन में आपकी 84th नंबर की मिलेगी और आपकी बिजनेस एंड मैनेजमेंट लाइन में आपकी कुछ 51 नंबर की आपको रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। ये जो एफिलिएशन है आपको NAAC से अभी जो रैंकिंग मिली है इसे वो A+ मिली है, जो कि बहुत से MP के कॉलेजेस को गवर्नमेंट फंडेड को B में मिल के रखा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 साइंस JEE आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए चाहिए, ठीक है। ये इंजीनियरिंग बस की बात करूंगा मैं, इक्वलेंट डिग्री भी आपकी काम करेगी, मतलब इक्वलेंट एंट्रेंस एग्जाम भी, ठीक है। UG और अगर आप PG में लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में तो UG एंड एंट्रेंस एग्जाम इफ रिक्वायर्ड, मतलब एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर गेट की बात होगी MTech में, ठीक है। और UG तो आपको चाहिए मैं कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो कोर्सेज आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज है आपकी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, BFM एंड टेलीविजन, मतलब इसका चाहो तो पॉज करके एक एक कोर्स पढ़ सकते हो, ठीक है, पर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग हो गई है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, पॉज करके पूरा पढ़ दो। हमारा मेन फोकस रहेगा इंजीनियरिंग और हमारा कुछ PG कोर्सेज के ऊपर भी रहेगा, MTech वगैरह है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, यहाँ पर आपको कोर्सेज कॉमर्स के लिए भी रहेंगे आपके, उसके लिए भी रहेंगे जो भी आपके मतलब इंजीनियरिंग मैथ साइंस और हमारा बायो वालों के लिए भी रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं कि पोस्ट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब आपके कौन कौन से, मतलब यहाँ पर आपके UG के लिए और PG के लिए, मतलब MTech वगैरह। तो यहाँ पर एरोस्पेस है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ECB भी है आपकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये मैकेनिकल के अंदर ही आएगा, मतलब डिटेल में आप बात करेंगे यहाँ। फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, ग्राफिक्स एंड गेमिंग इंजीनियरिंग, वाओ ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम इन TCS वाला भी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी CS डेवलप्स, ठीक है। PG की बात करें तो मतलब MTech अगर करना चाहो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है आपकी, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन थी और एक जियोटेक्निकल है और अदर कोर्सेज भी हैं, ठीक है। या पार्ट टाइम फॉर वर्किंग और प्रोफेशनल ओनली, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग एक और है ना, तो ये चाहो तो पूरा देख सकते हो। जो अच्छी बात है यहाँ पर टेक्निकल वाली ज़्यादा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है ना, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हो गई, तो काफ़ी हद तक ये यूनिवर्सिटी बहुत तगड़ी चीज है। कैंपस की बात करें तो कैंपस आपको पता है ये 100 एकड़ में कुछ फैला हुआ है, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, लाइब्रेरी का बहुत अच्छे से मैं लिख के रखा हूँ, जैसे 13 लाइब्रेरी यहाँ पर, कुछ 85,000 बुक्स है और 85,850,000 आपकी ई बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अगर चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, पर इतना ज़्यादा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपको बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और आपका टेनिस कोर्ट भी है, वॉलीबॉल बॉक्सिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। लैब्स की बात करें तो नंबर ऑफ लैब्स से थोड़ा देखना हो तो देख लेना यार, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग लैब, कंप्यूटर और भी चीज़ें हैं। आगे बात करें तो हम कैफेटेरिया के बारे में आते हैं कि कैफेटेरिया भी काफ़ी अच्छा है, चाहो तो इसका पूरा पढ़ सकते हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं। नेक्स्ट अगर कैफेटेरिया एक बार और देख लो यार, कॉफ़ी डे है ना, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, बहुत कैफे तो शानदार होने ही है, प्राइवेट में कुछ होना हो आपके कैफेज बहुत अच्छे होंगे। आगे बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स अगर इंजीनियरिंग बस की हाइलाइट्स देखते हैं हम, तो 350 मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो कि आपके लेके गई थी, मतलब सिलेक्ट की थी 3,750 इंजीनियर को 2019-2020 के टाइम पे। कंपनीज जो ऑफर की थी 5 लाख या 5 लाख से ऊपर वो 131 से ज़्यादा थी और 600
50 प्लस सिलेक्शंस हुए थे। कंपनीज ऑफरिंग जो 10 लाख के ऊपर ऑफर किए गए थे वो 26 प्लस कंपनीज थी जो कि 100 प्लस सिलेक्शन लेके गए। 50 प्लस एमएनसी जो थी वो अमंग टॉप 100 ऑफ इंडिया के अंदर आती है, हैज मेड 500 प्लस ऑफर्स भी लेकर। टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज सिलेक्ट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये दोनों कंपनीज भी आई हैं, मतलब जो तगड़ी वाली, बैंक ऑफ अमेरिका, नोकिया, ड्यूलाइट भी बहुत अच्छी कंपनी, IBM, डेल, सैप लैब्स, और ये कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। मैकेनिकल, सिविल हर जगह से लिया गया है। अब आगे बात करते हैं अलग अलग प्लेसमेंट की। अब हम बात करेंगे CS में कैसा था। CS की अगर मैं देखो यार, ये पूरी चीज़ें लिख के रखा हूँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर मैं देखते हैं अपन मेन चीज़ें। तो 122 टोटल कंपनीज विजिट की थी इस साल, और 2030 स्टूडेंट को उन्होंने ले चुके थे, मतलब सिलेक्ट हुए थे, और 35 इनका लैक पर एनम इनका हाईएस्ट पैकेज निकला था। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल हो गया, मैकेट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसे लोगों के लिए, तो यहाँ पर 115 कंपनीज विजिट हुई थी, आपके 530 लोगों को वो उठा के ले गए, 9 लाख पर एनम आपका हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 35 कंपनीज टोटल कंपनीज थी, 178 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए थे, 15 लाख पर एनम इनका हाईएस्ट पैकेज निकला था सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांचेस के लिए, तो 37 कंपनीज आई थी, 628 कंपनीज ने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, और 10 लाख पर एनम का इनका हाईएस्ट पैकेज निकला। यहाँ पर अगर लीडिंग रिक्रूटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, ये तीन कंपनी मेन बोलूंगा यार, क्योंकि ये बहुत से कॉलेजेस में नहीं जाती, मतलब गूगल जो है बहुत ही जाती तो है हर जगह, पर बेस्ट कॉलेज में जाएगी, है ना। तो और भी कई हैं, जैसे जी न्यूज वाली भी आई थी और गोदरेज, है ना, ये पूरा देख सकते हो। और इसके बाद अगर बात करें, मतलब आज से लेके, मतलब इतना जो जितना भी टाइम रिकॉर्ड हुआ है इनका प्लेसमेंट का, तो उसमें देख सकते हैं आप, यह स्टार्टिंग में जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 2009 के टाइम पे 3.25 लाख पर एनम तक, जैसे जैसे ये बढ़ते गए, यहाँ इन्होंने अपने पैकेजेस भी अच्छे कमाने लगे। 2019 और 2020 में इनको 35 लाख पर एनम का इनको हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था। जो टॉप कंपनीज है इनकी L&T है, अमेजोन है, गूगल है, गोदरेज है और मोटरोला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ और है यार, ये जो एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता था एवरेज पैकेज में इनके मतलब बताएंगे नहीं, क्योंकि पूरा इन्होंने डेटा तो दे रखा है चंडीगढ़ में, बस एक एवरेज पैकेज ही नहीं दिया, क्योंकि हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना एवरेज पैकेज इतने आसानी से नहीं बताएगी, ठीक है। तो सोर्सेज और पूरा A to Z मैंने रिव्यू करते हुए देखा कि इनका 5 से 6 लाख एवरेज पैकेज में मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी कुछ ब्रांचेज हैं जो कि कम कर देती है। CS वालों के लिए वो 10 लाख तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे हॉस्टल्स की, तो यहाँ पर आपके न्यू होम की तरह इन्होंने अच्छे से लिख के रखा है, पूरी चीज़ है, कॉमन रूम है ना, इंडोर, जो आपकी मेन फैसिलिटी दी जाएगी, यहाँ पर टेबल एंड केबल फैसिलिटी है, सैलॉन फैसिलिटी है, और आपके हॉस्टल मेस, फ्रेश एंड हाइजीनिक, ये तो जाके ही पता लगेगा। आपका हॉस्टल हाउस में फुली इक्विप्ड रहेगा, आपका वॉलीबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल मिलेगा आपको, पावर सप्लाई मिलना है 24x7, ठीक है, 24x7 आपको मिलना है, नो वाईफाई इंटरनेट का सर्विस मिलेगी, वेल फर्निश्ड कॉमन रूम्स है, जिम मिलेगा यार, और वेल इक्विप्ड रीडिंग रूम्स भी दिया गया है, नाइट कैंटीन है आपके, और टक शॉप्स भी है, सैलून मिलने वाला है, जिम सर्विसेज भी है, विजिटर एंड गेस्ट हाउस भी दिया है इन्होंने। अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हॉस्टल फीस के बारे में बात करें बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा अलग अलग है, मतलब 5 सीटर तक रूम्स मिलते हैं यहाँ, फॉर बॉयज़ ओनली है पास 81,000 कुछ आपके नॉन AC वाला है, और AC के लिए तो है ही नहीं सर, ठीक है, नॉट अवेलेबल है। ऐसे USD के लिए, मतलब जो आपके अलग से आएंगे तो उनके लिए भी ऐसे ही है, 4 सीटर में 90,000 आपकी कुछ फीस होगी, ओके, सो 90,000 आपकी कुछ फीस होगी, 1600 आपका कुछ होगा USD में, है ना, ये तो फीस बता रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये डॉलर्स की बात हो रही, ठीक है। और आपके AC में कोई अवेलेबल ही नहीं है आपके 4 सीटर में। 3 सीटर की बात करें, 98,500 है आपकी पर एनम की फीस नॉन AC में, और 1750 वो सब, और आपकी कुछ क्या लिखा यार, जो इतना अमाउंट आपका मिलेगा AC के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके 2 सीटर फॉर बॉयज़ ओनली है यार, और 1 सीटर भी बॉयज़ ओनली है, मतलब गर्ल्स के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो 1,25,000 आपकी पर एनम की फीस रहेगी, 1,45,000 अगर आप AC के साथ लेना चाहते हो तो ऐसा रहेगा, और सेम विथ 1 सीटर के लिए 1,35,000 है, और AC अगर लेना चाहते हो 1,55,000 आपको देने पड़ेंगे। अगर हम उसकी बात करें
तो फूड वगैरह की जो भी मैस चार्जेस है आपके 2700 पर मंथ पड़ेगी, या फिर रुपीज ऐसा लिखा है, मतलब ऑल टोटल आपका पर एनम 32,400 रुपये पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। ठीक है, पूरी ए टू जेड चीज़ें आज डिस्कस की कर दी गई हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना। पूरी 5-6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो कि कॉलेज रिव्यू के लिए काफ़ी होगा। और अगर कोई भी क्वेरीज हो रही है इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो, ऑफिशियल जो आईडी है, मतलब ऑफिशियल जो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक वगैरह के भी। तो कोई भी क्वेरीज हो रही है यार कॉलेजेस इसके रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, तो डीएम करने से बिल्कुल कतराव नहीं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो यार, और कमेंट करना मत भूलना। अगर ये कॉलेज पसंद आया तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको लिखना है, ओपी या सीयू, ओपी भी लिख सकते हो या फिर सीयू फैब भी लिख सकते हो। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैं ऑप्शन देती हूँ, कमेंट में लिख देना अगर पसंद आया हो। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी एमपी के जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है उससे ज़्यादा अच्छी बोलूँगा मैं, कुछ ज़्यादा नहीं, है ना। तो ऐसा रहेगा पूरा, और सब्सक्राइब किए हुए ना मत जाना है, मेन चीज़ तो बोले नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बैल आइकन को दबा देना, जिससे और भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर एमटेक से रिलेटेड या अदर जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिलना चाहेगा आपको, तो इधर से ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।